हेलो फ्रेंड्स, सभी को राम राम। आज मैं आपको पहले वाली वीडियो में दिखाए गए मंदिर के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। दोस्तों, आप मंदिर के ऊपर हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर घूमता हुआ देख रहे होंगे। कितनी अच्छी और सुंदर जगह है यहाँ पर, और चारों तरफ से आपको पक्षियों की आवाज़, मीठी और मधुर आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। ये नेचुरल आवाज़ें हैं। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर किस प्रकार यहाँ निडर रूप में घूम रहा है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को ज़रूर दबा देना, जिससे सबसे पहले आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अब आपका टाइम ख़राब नहीं करते हुए आपको इस मंदिर के बारे में पूरी डिटेल बता देता हूँ। आपको सबसे पहले मंदिर के पीछे का बैकग्राउंड दिखा देता हूँ। पीछे देखो, कितना अच्छा सुंदर गार्डन बना रखा है। वैसे तो यहाँ प्राकृतिक ही गार्डन है, लेकिन चार दीवारी कर यहाँ गार्डन बना दिया गया है और कुछ अलग से पौधे लगा दिए गए। आप पीछे देख रहे होंगे, दीवार पर हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर बैठा हुआ है, और यहाँ चारों तरफ आपको चैंतू ही आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। आप जो ये आवाज़ें सुन रहे हैं वे नेचुरल है एकदम, ये प्राकृतिक आवाज़ें हैं, न कि कोई अलग से आवाज़ें डाली है। अब मैं आपको मंदिर के आगे का सीन दिखा देता हूँ। मैं छत पर हूँ, यहाँ मंदिर के ग्राउंड में कुछ लोग सोते हुए हैं, एक साइड महिलाएं सोती हुई और कुछ बैठी हुई हैं। आप ये मंदिर देख रहे हैं जो एक विंध्याचल की पर्वतमाला पर स्थित है। यह खंडार तहसील में पड़ता है। यह बारेल के निकट और मोरोज से होते हुए ऊपर डांग में है। आपको मंदिर के चारों तरफ कितनी अच्छी हरियाली दिखाई दे रही होंगी और पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। यह मंदिर एक गुर्जर समाज एवं जांगड़ी समाज के अधिकतर लोग पूजा करते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको कुछ ही देर में मंदिर के छत से नीचे उतरकर मैं आपको मंदिर के प्रांगण के बारे में बताऊंगा और मंदिर के बारे में दिखाऊंगा कि किस देवता का मंदिर है। जो आप सामने गेट देख रहे हैं, ये मंदिर का मेन गेट है और मंदिर के आगे प्रांगण बना हुआ है। यह मुख्य मंदिर यहाँ पर केदार बाबा का मंदिर है, जो बेरे की खो में स्थित है। यह मंदिर खंडार तहसील में ही पड़ता है, जो खंडार तहसील के बारेल गांव से निकट ही पड़ता है। मंदिर के सामने चारों तरफ प्रांगण बना हुआ है। यहाँ पर आप सामने जो धर्मशाला देख रहे हैं, जो यह जांगड़ी परिवार की धर्मशाला है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पेंटिंग हो रही है इस मंदिर के ऊपर। बहुत ही शानदार मंदिर बना हुआ है। जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, ये शंकर भगवान का मंदिर है। अब मैं आपको पास में जाकर ही यहाँ पर चारों तरफ मंदिर के बारे में बताऊंगा। अब मैं यहाँ से सबसे पहले मेन मंदिर यानी मुख्य मंदिर पर आपको ले चलता हूँ, जो केदार बाबा का मंदिर है। यह मुख्य मंदिर है, आप देख रहे होंगे, ये केदार बाबा का मंदिर है। यह इसकी मूर्ति बनी हुई है यहाँ पर, यही मुख्य मंदिर है यहाँ पर। अब मैं इस केदार बाबा की परिक्रमा में आपको दिखाने ले जा रहा हूँ। ये केदार बाबा की परिक्रमा है। परिक्रमा के जस्ट पीछे एक खाई है, जिसमें बरसातों के दिनों में पानी बहता है, और पीछे ही यहाँ पर पानी के लिए कुआं बना रखा है। अभी तो इतनी बरसात नहीं हुई, इस वजह से यह खाल बह नहीं रहा। ज़्यादा बड़ी परिक्रमा नहीं है यहाँ पर। Thank you.
बहुत ही अच्छा और सुंदर एवं शांत वातावरण यहाँ इस मंदिर पर है। अब मैं यहाँ पर आपको छोटा सा मंदिर एक और बना रखा है यहाँ पर, ये है केला मैया का मंदिर है, जो ये केला मैया का मंदिर है जो रामस्वरूप प्रख्यात के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है, हमको यहाँ के भक्तों ने बताया था कि यह रामस्वरूप प्रख्यात के द्वारा ही बना हुआ मंदिर है। वैसे तो केदार बाबा की भक्ति ही रामस्वरूप प्रख्यात करता था। अब मैं आपको शंकर भोले के मंदिर पर ले चलता हूँ। यह यहाँ पर शंकर भोले के धूना चल रहा है, यह शंकर भोले का मंदिर है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी के बटन को दबा देना, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आप देख रहे होंगे यहाँ पानी के लिए कुआं बना रखा है, वैसे तो बहुत कम ओंडा है, गहरा है। ये पीछे मंदिर के खाई नुमा खाड़ है जो अभी इतना नहीं बह रहा है, लेकिन पानी तो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर बरसात इतनी नहीं थी, बरसात तो एक बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इतनी बरसात भी नहीं थी कि बहुत तेज़ी से यहाँ पर खाड़ बह रहा हो। चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। अब दोस्तों आपको कुछ ही देर में केदार बाबा के दर्शन कराएंगे। अब हमारे वीडियो में बने रहिए, ये आ रहे हैं केदार बाबा। But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off.